ये है एडवेंचर आइलैंड का मिनी पुल और बहुत ऐसी कोकोडाइल की तरफ पड़ जाओ पानी के अंदर। यूँ देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आए हैं तो पैसा वसूल कर ही लीजिए। कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा। अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको जरूर ये राइड करवाइएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ फिर से एडवेंचर आइलैंड की बहुत सारी मौज मस्ती करने के लिए। आप मेरे पहले दो व्लॉग देख चुके होंगे, तो दोस्तों आज ये तीसरा व्लॉग है। समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ ये व्लॉग के लिए। तो दोस्तों आज हम इस व्लॉग में बहुत सारी मौज मस्ती करने वाले हैं। एडवेंचर आइलैंड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। चलो चलिए चलते हैं, फटाफट से घुमाते हैं आपको एडवेंचर आइलैंड। तो लेट्स गो। तो दोस्तों बात करें अगर लोकेशन की, तो ये रोहिणी रिठाला में पड़ता है। आप अपने कन्वेंट से भी आ सकते हैं, पार्किंग आपको बाहर मिल जाएगी। साथ ही में ही अगर आप मेट्रो से आने की सोच रहे हैं, तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रिठाला पड़ने वाला है, वहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर है। आप चाहो तो ऑटो रिक्शा करके यहाँ पे आ सकते हो, 10 रुपये चार्ज करेगा ऑटो वाला। वॉक करके भी आ सकते हो। और इसकी बात कर ले अगर टाइमिंग की, तो ये 11 बजे खुल जाता है, शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। सो दोस्तों ये रहेगा पार्किंग एरिया, इधर 2 व्हीलर का है, उधर 4 व्हीलर का है। जो पार्किंग चार्ज रहेगा वो 30 रुपीज़ यहाँ पर 2 व्हीलर का है और 50 रुपीज़ कार का है। बात करें अगर टिकट्स की, तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 700 का टिकट है, लेकिन ऑफर चल रहा है तो वीकडेज में आपको 500 का पड़ेगा, वीकेंड में 600 का। और ये रहा सामने टिकट काउंटर, तो दोस्तों जब मैं 1 महीने पहले आई थी तब भी यहाँ पे 18 राइड्स ओपन थी, और अभी तक 18 राइड्स ओपन है। तो चलिए चलते हैं 18 राइड्स का मज़ा लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक राइड है एक्स्ट्रा अट्रैक्शन एक्वा बम्प, अगर आप वो करते हैं 4 फीट से ऊपर है और उसका आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अंदर एंट्री करते ही व्यू कुछ इस तरीके का रहने वाला है, और जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेगा। ये रहा सामने सेल्फी पॉइंट। तो ये सामने है एंट्रेंस, और एंट्रेंस देख सकते हैं कितना शानदार बनाया गया है एडवेंचर आइलैंड का। सो दोस्तों पंजी जंपिंग के लिए ना आपका 30 से 50 किलो होना जरूरी है वेट, और यहाँ पे 30-40 केजी वेट अलाउ है बस ओनली। सो दोस्तों पंजी जंपिंग के लिए पहले आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा, पूरा बेल्ट वगैरह से बांधा जाएगा, उसके बाद आपकी पंजी जंपिंग स्टार्ट होगी। तो फिलहाल मैं खड़ी हूँ एक्वा पंपिंग के पास, और एक्वा पंपिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों ये रहने वाला है यहाँ का स्प्लैश पूल, और देखे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये है स्प्लैश पूल, बच्चे सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं, ये देखिए। पारी आ गई है हमारे स्प्लैश डाउन में, अब बोट आने वाली है, हम बैठने वाले हैं बोट में, मौसम एक नंबर का हो रखा है दोस्तों। सो गाइस ये यहाँ के इंस्ट्रक्शन है और बच्चों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है ये राइड्स। टावर में हम चढ़ेंगे, अभी छोटा वाला स्प्लैश डाउन है ये, इसके बाद ऊपर वाला जो बड़ा दिख रहा है उसमें जाएंगे। सो अब हम स्प्लैश डाउन में चढ़ रहे हैं। ओह भाई साहब, ये क्या भाई, ओह ये क्या, पूरा टेढ़ा हो गया भाई, डर लगा। बड़ा वाला स्प्लैश आ गया है और हम इस पे चढ़ने वाले हैं। हम उल्टे पुल्टे हो चुके हैं, जानबूझ के भाई मेरा वजन नहीं है क्या? तो गाइस देख सकते हैं आप, बिल्कुल टेढ़े हो गए और हाइट देखो भाई कितनी ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है ना हम नीचे गिरने वाले हैं, वो ऐसा लग रहा है पलटने वाला है। ओ भाई देखो कितना हाइट पे आ गए हम लोग, भाई टॉप पे आ गए एकदम, साइड बार पकड़ लो, साइड बार, साइड बार पकड़ लो, ये ऊंचे करो, ऊंचे करो, ठीक है। ओह मिलने वाला है जो कि पूरा 150 रुपीज का है, यहाँ पर आपको लॉकर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको कॉस्ट्यूम काउंटर मिलेगा, वहाँ से कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यह है एडवेंचर आइलैंड का वाटर पार्क, मिनी वाटर पार्क बोल सकते हो। जॉल्टर राइड और बहुत मजा आता है इस राइड में, ये गिरते हैं, बहुत ही अमेजिंग राइड है ये। और इस लाइन में बहुत ज्यादा मजा आता है, देखिए कितना, ये देख सकते हैं।
दोस्तों सामने ही आपको मिलेगा मोस्ट राइड, और ये मोस्ट राइड में दोस्तों 10 लोग बैठ सकते हैं, 5 इस साइड 5 इस साइड, और ये राइड ना बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। मोस्ट राइड अमेजिंग राइड है, और इसमें ना आप सिर्फ और सिर्फ फेस एक्सप्रेशन देखना लोगों के, बहुत बहुत डर लगता है इस राइड में, लेकिन मजा भी सबसे ज्यादा इसी में आता है। भाई कितनी तेजी से नीचे आता है, सच में एक्सप्रेशन इन सबके देखने लायक होते हैं। इनके फेस एक्सप्रेशन दीजिए यार। तो दोस्तों ये है एक्साइटमेंट राइड, और एक्साइटमेंट राइड में बहुत ज्यादा मजा आता है, पूरी 2 मिनट की राइड होती है, ये बहुत ही अमेजिंग मजा आता है दोस्तों इस राइड में। पता होगा मैं बीच में, मतलब 6 महीने में एक बार तो आता ही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज 18 राइड हमें करने को मिले, जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगा स्प्लैश डाउन वाला राइड। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो स्प्लैश डाउन वाला राइड जरूर ट्राई करना। एक वाइल्ड व्हील वाला राइड है, वो मैंने करा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है, जो लोग करते हैं उनको बहुत मजा आता है। मेरे को थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं वो करता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर आते हैं तो बहुत ट्राई करना। चलिए ठीक है। सो दोस्तों सामने है फायर डिपार्टमेंट, ठीक ठाक स्पीड है, मतलब इतना मजा नहीं आता, इसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है इतना खास मजा नहीं है इसमें, कर सकते हैं, आए हैं तो पैसा वसूल कर ही लीजिए। ये पहले ऊपर जाएगा, फिर ये राउंड राउंड घुमाता रहेगा, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर जय श्री श्याम चाट काउंटर आपको देखने मिलने वाला है, लड़कियों के फेवरेट गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, चाट पापड़ी, ये सब आपको खाने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है लाइटिंग बोर्ड, और ये राइड भी अमेजिंग है इसमें, ये देखो दोस्तों घूमना स्टार्ट हो चुका है ये वाला, ये यप्पी। चुकी हूँ लाइटिंग बोर्ड में, सो दोस्तों ये इस तरीके से पहले लॉक होएगा, उसके बाद ये राइड स्टार्ट होएगी और पूरा गोल गोल घुमाएगी हमें, मजा आएगा। स्टार्ट हो चुकी है ये, फुल मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये है डंक राइड, और डंक राइड में देखिए वो जो बोट है वो ऊपर की तरफ अप हो रही है, फिर वो नीचे डाउन गिरती है, एकदम बहुत ही फास्ट डाउन गिरती है एकदम ही, रोलर कोस्टर बना रखा है पूरा, रोलर कोस्टर के थ्रू गोल गोल घूम घूम के ऊपर चढ़ जाएंगे। पहले ऊपर से देखिए आपको बोट नीचे की तरफ आ गई है, अब एकदम नीचे गिरेगी। तो दोस्तों ये है एयर पोगो, और इसमें हम जाने वाले हैं हिंदी में बोलूं तो हेलीकॉप्टर स्लाइड, तो मैं आपको दोस्तों अब है एयर पोगो स्लाइड, जिसमें हमारी जो जिसमें आपकी हाइट 95 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इस पर बैठ पाएंगे। प्लेन की तरफ फीलिंग आती है पूरी की पूरी, मजा आ रहा है इसे करने में। तो ये सायरन स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारी राइड चल पड़ी है। मजेदार, फुल मजे। सो दोस्तों ये है टॉय ट्रेन, और अब हम टॉय ट्रेन करने वाले हैं।
दोस्तों ये है केबीसी और ये बच्चों के लिए है ये वाला पूरा। तो दोस्तों आपके साथ अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको जरूर ये राइड करवाइएगा क्योंकि बच्चे दोस्तों एक्वा राइड बहुत अमेजिंग है यहाँ की। और ये है वॉल एक्टिविटी जो कि वॉल जंपिंग की तरह होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पहले प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद इस पे ऊपर चढ़ा जाता है। ये भी टिकट में इंक्लूड है। पूरी 18 राइड्स है दोस्तों इधर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिलने वाला है खाने पीने के लिए, पिंड बलूची रेस्टोरेंट। चलिए आपको प्राइस लिस्ट दिखाते हैं यहाँ की, क्या प्राइस लिस्ट रहने वाली है। ये पूरा बैठने का है सिटिंग एरिया। ये यहाँ का रेट लिस्ट रहने वाला है और मेन्यू रहने वाला है ये यहाँ का। आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर है पिन बलूची रेस्टोरेंट और उसके जस्ट बगल में ही ना यहाँ पर आपको ऊँट की सवारी 100 रुपये एक वन पर्सन पर पर्सन यहाँ पे 100 रुपये ऊँट की सवारी कर सकते हैं। दोस्तों इवनिंग व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप वीडियो रील भी बना सकते हैं। और देखिए एडवेंचर आइलैंड के पास आईपी आइलैंड के पास पूरा भरा हुआ है। फोटोज क्लिक करा रहे हैं लोग, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों नाइट में ना आईपी टावर बहुत ही औसम लग रहा है। यहाँ पे फोटो शूट वगैरह लोग करवा रहे हैं, साइड में भी करवा रहे हैं। व्यू बहुत एक नंबर आता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये था मेरा एडवेंचर आइलैंड का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मेरा व्लॉग ऑसम बना है, मज़ेदार बना है। इवनिंग हो चुकी है तो चलिए दोस्तों मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं से नए नए कॉन्टेंट आपको लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं दोबारा से नए सफर में, देखते रहिए DLRV व्लॉग्स। बाय दोस्तों। क्या मैं ऑर्डर लिख दूंगा, वीडियो नहीं है। हाँ ऑर्डर लिख दो, हम भी जरा देख लेंगे। चाचा फोन पेन दो DLRV ब्लॉग्स।